अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आर्य इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। तो आज मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए और इंटरेस्टिंग सर्किट के साथ, जिसमें हम समझने वाले हैं कि हमारे घरों में जो बेसिक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ की जाती है, जिसे कि MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक MCB को यानी कि एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एक MCB जो है ये एक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक स्विचिंग डिवाइस है, जो कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसे फॉल्टी कंडीशन से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हमें हिफाजत मुहैया करती है, हमारी बिजली की वायरिंग को जलने से बचाती है और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं, उनकी हिफाजत करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें ये होगा कि जैसे ही कोई फॉल्टी कंडीशन आती है, हमारा ब्रेकर ट्रिप करता है, तो हमारे ब्रेकर के ट्रिप करने के साथ एक रेड लाइट जो है वो ऑन हो जाए, वो इंडिकेट करे, जिसकी वजह से हमें दूर से पता चल जाए कि हमारा MCB जो है वो इस वक्त ट्रिप हो चुका है, ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं MCB के साथ एक रेड इंडिकेशन लाइट जो है, जो कि फॉल्टी कंडीशन को इंडिकेट करेगी, उसको यूज़ करने वाला हूँ। आप इसकी जगह पे कोई अपना बजर लगा सकते हैं या कोई भी बल्ब जो है या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपको दूर से ही पता चल जाए कि भाई हमारा सर्किट ब्रेकर जो इस वक्त है वो ट्रिप हो चुका है, तो वो चीज़ आप अपने सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी इसी तरह से सेम वायरिंग होगी जिस तरह मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने अपने MCB के साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको इसकी वायरिंग दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने जो फेज़ वायर है इसको मैंने MCB के अंदर इनपुट किया है, और इसकी MCB की जो आउटपुट है उसको मैंने बल्ब की एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो बल्ब की दूसरी वायर है उसे मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है। तो देखें, अब मैं जैसे ही अपना MCB को ऑन करता हूँ तो मेरा बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखें, ये ऑन ऑफ हो रहा है, अपनी ठीक तरह से वर्किंग कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि जब ये इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, यानी कि ट्रिप हो चुका है, तो इस कंडीशन में इस रेड लाइट को चलना चाहिए। तो इस रेड लाइट की अब मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। इस रेड लाइट के साथ जो इसके दो टर्मिनल्स हैं उनके साथ, उनसे मैं दो वायर जो हैं वो कनेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ कि इन वायर्स ने कहाँ कहाँ अटैच होना है। तो जनाब, आप देखें कि मैंने जो अपनी रेड लाइट है इसके साथ मैंने दो वायर्स को अटैच कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो दो वायर्स हैं, ये इनमें से एक वायर जो है ये MCB की इनपुट पे लग जाएगी और दूसरी वायर जो है ये MCB की आउटपुट पे लग जाएगी। तो बेसिकली तो आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये जो रेड लाइट है ये MCB के पैरेलल में लगेगी। तो मैं इसको पैरेलल में लगा के तो आपसे फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों, आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरा बल्ब जो है इस वक्त चल रहा है। ये देखें, मैं आपको रेड लाइट दिखाऊं तो ये इस वक्त ऑफ है। आप फॉलो करें तो ये देखें, मैंने इसकी पहली वायर को यहाँ पे MCB की इनपुट पर लगा दिया है और दूसरी वायर जो है इसे मैंने MCB के आउटपुट पर लगा दिया है। बाकी हमारा सर्किट जो है वो वैसे का वैसे ही है। तो इससे हम ये मिसाल लेते हैं कि हमारा MCB ऑन है, वर्किंग में है, हमारा लोड जो है वो घर का चल रहा है। जैसे ही कोई फॉल्टी कंडीशन आती है, हमारा MCB जो है वो ऑफ होता है। तो आप देखें कि ये रेड लाइट जो है ये इंडिकेट हो गई है, ये चल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों दोबारा से मैं इसको यहाँ पे आकर रीसेट करता हूँ तो हमारी जो रेड लाइट है ये देखें बंद हो चुकी है और हमारा जो सर्किट है ये दोबारा से रीसेट हो चुका है, दोबारा से चल रहा है। अब इसको मैं दोबारा ऑफ़ करता हूँ तो आप देखें ये रेड लाइट दोबारा चल गई है और हमारा सर्किट जो है वो इस वक्त ऑफ है। तो प्यारे दोस्तों, अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि सर्किट ब्रेकर चूँकि बंद है तो ये रेड लाइट कहाँ से चल रही है, इसको करंट कहाँ से मिल रही है। तो दोस्तों, ये सर्किट जो है ये एक अलग से सर्किट है, इसके ऊपर एक अलग से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये दोस्तों बेसिकली बैक करंट की वजह से चल रही है, जो रिवर्स करंट आती है हमारी। तो रिवर्स करंट क्या होती है, इसकी क्या डिटेल है, किस तरह से वो काम करती है, इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपको एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। तो ये थी बेसिकली आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपका पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।